Hello, welcome students to my science class. And in this video, I am going to explain you the second chapter, which is plants of class 4. So get ready. Please like and subscribe my YouTube channel for new updates. So let's start. And this is plants chapter 2. And in class 3, we learn a little bit about plants and let us revise. So, हम लोग को एक revision करते हैं. Class 3 का ये पढ़ा हुआ chapter है. Plants के बारे में आप लोग पढ़े थे. तो अभी हम लोग कुछ plants के बारे में आप लोग क्या किया, कितना याद कर रहे हो, उसका एक revision करते हैं. ठीक है? Get ready. और क्लास थर्ड में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे, जैसे प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स एंड व्हाट आर द पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, उसका फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन किए थे. ओके तो अब देखते हैं, हियर इज ए हेल्प बॉक्स एंड फोर क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए डैश फिक्सेस ए प्लांट इन द सॉइल. क्या है जो प्लांट को सॉइल पे फिक्स करके रखते हैं, दैट इज रूट. सो रूट इज द रूट फिक्सेस ए प्लांट इन द सॉइल. बी डैस सपोर्ट्स ए प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट. क्या है जो अपराइट रखता है, प्लांट को खड़े करके रखता है, दैट इज द स्टेम. स्टेम दैट स्टेम सपोर्ट्स ए प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट. एंड सी लीफ हैज डैस इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट एज ग्रीन कलर्स. लिप पे क्या रहता है जो कि उसको फूड प्रिपेरेशन करते हैं या एंड देन इट ग्रीन कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या है, दैट इज नॉन एज क्लोरोफिल. दैट इज क्लोरोफिल. एंड देन डी फ्रूट्स हैव डैश इन देम व्हिच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स. फ्रूट पे क्या रहता है जो कि एक प्लांट फिर जर्मिनेट होता है, नए प्लांट्स होता है, क्या होते हैं, फूड है, that is seeds. Fruits have seeds in them and which germinate to form plants. And in the last class we know that a plant has different parts like root, stem, branches, leaves, flowers and fruits. Also we have discussed about various type of plants, trees, herbs, shrubs, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ये जो फाइव टाइप के प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे. और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द रूट, अबाउट द रूट ऑफ ए ऑफ द प्लांट. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कशन करें, रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो रूट क्या है, टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड द फंक्शन ऑफ रूट्स उसके एग्जाम्पल के साथ. सो फर्स्ट थिंग इज हियर, एंड वट इज ए रूट. रूट क्या होता है, सो द फर्स्ट लाइन इट इज, इट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट इज द रूट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड एज द प्लांट ग्रो, प्लांट जब ग्रो करता है, द रूट्स बिकम थिक एंड वुडी विथ ए कर्की आउटर लेयर. जब प्लांट बड़ा होता है और रूट भी मोटा हो जाता है, थिक होता है एंड ओडी हो जाता है, लकड़ी टाइप का ओडी हो जाता है. एंड इट हैज ए कर्की आउटर लेयर, एक आउटर लेयर भी उसका बन जाता है. एंड देन टाइप्स ऑफ रूट्स, दो टाइप का रूट्स रहता है. रूट्स आर टू टाइप्स, टेप रूट एंड फाइबरस रूट. लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज ए टेप रूट. टेप रूट इज ए सिंगल लॉन्ग रूट विथ थिन रूट्स arising from it. टैप रूट्स क्या होता है, एक सिंगल लंबा सा एक लॉन्ग रूट है, अब जिससे छोटा छोटा रूट इससे निकलता है. प्लांट्स लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर्स एंड ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल हैव टैप रूट्स. जो भी बड़े पौधे होते हैं या फिर छोटे भी जो है, बीन्स है, रोज है, लेडी फिंगर्स है, इस सब का क्या होता है, टैप रूट होता है. टैप रूट क्या होता है, एक स्टेम से डायरेक्ट एक लंबा सा रूट निकलता है. स्टेम से डायरेक्ट निकलना है, ठीक है, स्टेम से एक लंबा सा रूट रहेगा, एक सिंगल रूट, अब उससे छोटे छोटे रूट भी निकलते हैं. सो ये है टैप रूट, पहला टाइप हो गया टैप रूट्स. एंड सेकेंड टाइप डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज ए फाइबरस रूट. ये जो फाइब्रस रूट्स होता है, एंड दीज आर रूट्स इन व्हिच मेनी रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. अब स्टेम से ही आपको, स्टेम से ही रिलेटेड है. पहला टैप रूट का क्या था, स्टेम से एक ही रूट, सिंगल रूट निकला था.
अब अभी इसमें क्या होता है, जो फेवरेट्स रूट होता है, ये स्टेन से बहुत सारा रूट्स निकलता है, ठीक है, मेरे रूट से राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। आप इसमें इमेज पे भी आप देख सकते हो, इसमें आप सेकेंड जो फाइबरस रूट है इसमें जैसे स्टेम से नीचे से ग्राउंड लेवल पे क्या है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे रूट्स निकले हैं। और टैप रूट पे क्या है, एक सिंगल बड़ा मोटा सा लंबा सा रूट निकला है, उससे छोटे छोटे रूट है फिर। बट यहाँ फाइबरस पे क्या है, बहुत सारा रूट्स मैंने रूट से राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये फाइबरस रूट टेंड टू और टेप डाउनवर्ड्स, इसमें एक दोनों में क्या डिफरेंट है, टेप रूट जैसे मिट्टी का बहुत अंदर तक जा सकता है, डीपर तक जा सकता है, यह फाइब्रस रूट क्या होता है, सॉइल के ऊपर लेवल पे ही रहता है, जो बहुत अंदर तक नहीं जा सकता है। ओके, सो दैट नेक्स्ट वन अदर एग्जाम्पल्स, फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स, ग्रासेस एंड बनाना, ये सब पे आपको सीरियल्स है, जितना भी सीरियल्स हैं, ग्रासेस है, ये सब का फाइब्रस रूट रहते हैं। ओके, देन अनदर थिंग इज, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन एंड रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण जो होता है सॉइल कंजर्वेशन पे भी आप जो रूट्स है हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश अवे, इसको धो जाने से जो मिट्टी को संरक्षण करके रखता है या फिर सेफ करके रखता है, बाइंड करके रखता है इसके लिए कि मिट्टी सेफ होके रह पाते हैं। ओके, सो रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट, देन द फंक्शन ऑफ द रूट, रूट के फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब रूट का जो है टू मेन फंक्शंस ऑफ द रूट, रूट के टू मेन फंक्शंस होता है, देर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ द रूट, वन इज एब्जर्शन एंड सेकेंड वन इज फिक्सेशन। एक होता है एब्जर्शन, एब्जर्शन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो एब्जर्व करता है रूट्स, एंड देन सेकेंड फिक्सेशन क्या होता है, ये अपराइट फिक्स करके रहता है प्लांट को। सो इस दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो फंक्शन ऑफ द रूट, रूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। सॉयल से क्या करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जर्व करता है, इट होल्ड, एंड सेकेंड फंक्शन क्या होता है, इट होल्ड द प्लांट अपराइट इन द सॉइल, अपराइट करके आप सीधा खड़ा करके रखता है, क्योंकि इसका रूट्स जो है फिक्स होके रहता है सॉइल पे, तो प्लांट क्या होता है फिक्स स्ट्रेट होके अपराइट होके रहता है। एंड थस एब्जर्शन एंड फिक्सेशन आर द टू मेन फंक्शन ऑफ द रूट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ अदर फंक्शन होता है, फिर स्पेशल फंक्शंस ऑफ द ट्री के बारे में रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, द स्पेशल फंक्शन ऑफ रूट एंड फंक्शन इज फूड स्टोरेज फॉर द प्लांट। ये जो कुछ रूट्स होता है ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं फॉर द प्लांट। सो व्हाट आर द थिंग्स, प्लांट्स लाइक रेडिस, कैरेट एंड बीट रूट, एंड ये जो है रेडिस है, कैरेट है और बीट रूट है, दे हैव थिक रूट्स, बहुत मोटा रहता है ये रूट्स, एंड हुई स्टोर फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड स्टोरेज करके रखता है। एंड सम सच रूट्स आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल्स, हम लोग मैन और एनिमल्स हर कोई इसको खा सकते हैं, ठीक है, सो जब इसको खा सकते हैं, इट आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल्स, सच रूट्स आर कॉल्ड एटेबल रूट्स। तो ये रूट्स जो रूट्स फूड स्टोरेज करता है उसका उसका नाम क्या है इसको, या फिर वॉट इज दैट रूट इज नॉन एज, दैट इज एडिबल रूट्स, जिसको हम लोग खा सकते हैं। द रूट्स विच आर ईटेबल द मैन एंड एनिमल्स आर नॉन एज एडिबल रूट्स। या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, वन इज जो रूट्स को हम लोग खाना खा सकते हैं, खाने पे यूज करते हैं या फिर खा सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एडिबल रूट्स। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि जिस टाइप का रूट्स जो फूड स्टोरेज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, दैट इज एडिबल रूट्स। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ द रूट्स। एंड अब एडिबल रूट्स लाइक कैरेट, रेडिस एंड बीट रूट्स आर डेलिशियस, बहुत स्वादु रहता है, सुस्वादु होता है, एंड दीज आर ऑल्सो न्यूट्रियस एंड एट वेरियस वेराइटी टू द डाइट। हमारे जो डाइट में बहुत सारा वेराइटी आप ये प्रोवाइड करता है, जैसे सलाद यूज कर सकते हैं या फिर सब्जी पे भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग, दिस इज वन द स्पेशल फंक्शन ऑफ द रूट, दिस इज द स्टोरेज, फूड स्टोरेज फॉर द प्लांट। देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, देन अनदर टाइप ऑफ फंक्शन, रूट्स टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू ब्रांचेस एंड स्टेम।
तो कुछ ऐसे रूट्स होता है जो ब्रांच को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है और स्टेम्स को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल जैसे बनियान ट्री हो गया, बनियान ट्री पे आप लोग देखे होंगे कि उसके ब्रांच से बहुत सारा रूट्स निकलता है और ये रूट्स जाके फिर सॉइल पे लगा रहता है, बाद में एक स्टेम टाइप का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप एक ब्रांच को ये सपोर्ट देता है। इन सम प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल द ब्रांचेस ऑफ ए बनियन ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट्स एंड दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेस हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम्स विच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। जैसे मेस प्लांट का बात करते हैं, अभी मैस क्या होता है, एक पतला सा एक लंबा स्टेम है उसका रहता है, जो कि खुद इरेक्ट होके रह पाना मुश्किल है उसके लिए, वो सपोर्ट चाहिए उसको, कुछ सपोर्ट चाहिए। और सो दैट इसका क्या, सच प्लांट्स है रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम, जो स्टेम के बेस रहता है उसके फर्स्ट पार्ट पे, वहाँ से बहुत सारा रूट्स उसको निकल के और रूट्स सॉइल पे लग जाता है, जैसे कि नया रूट्स निकलता है वहाँ से स्टेम से। सो ये क्या करता है, एक बहुत उसको सपोर्ट देता है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है प्लांट्स को, नहीं तो ये इतना पतला सा थिन लॉन्ग स्टेम इरेक्ट होना संभव नहीं हो पाता। सो दैट ये सब क्या करता है, ये जो रूट से मैच का नीचे पार्ट से स्टेम से जो निकलता है इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। ठीक है, ये हो गया रूट्स टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू ब्रांचेस एंड स्टेम्स। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ जो फंक्शन है, और वॉट इज द फंक्शन, टू गेट सम फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफियर, एटमोसफियर से सम फ्रेश एयर के लिए। व्हाई फ्रेश एयर, इसको क्यों चाहिए, एंड व्हाई फॉर इट एंड इट सम फ्रेश एयर एंड व्हाट इज द रीजन, सो डिस्कशन करते हैं। एंड इन मैनग्रोव प्लांट्स, मैनग्रोव प्लांट पे क्या होता है, रूट्स डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन इन द मार्शी एरिया, सफिशियंट ऑक्सीजन यह मार्श एरिया पे नहीं मिलता। बट यहाँ एक रीजन देखते हैं कि मार्श एरिया क्या होता है। मार्श एरिया एक है ऐसे ही जगह है, अब जैसे कि पानी से घिरा हुआ जगह है जिसमें सॉइल कभी सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, गीला रहेगा ऑलवेज, तो इसका जो रूट्स होते हैं ऑक्सीजन नहीं पा पाते हैं सॉइल से। ओके, सो दैट एंड इन सच प्लांट्स सम ब्रीथिंग रूट्स कॉम्स आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफियर। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, रूट्स से कुछ और एक्स्ट्रा रूट्स जो निकल जाते हैं, वो कहाँ निकलेगा, मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जो सॉइल से सॉइल के अंदर रहना चाहिए रूट्स, बट ये रूट से क्या होता है, कुछ रूट एक्स्ट्रा रूट निकल के वो सॉइल से एबव पोर्शन पे आ जाता है। रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, सॉइल से बाहर आ जाता है टू गेट फ्रेश एयर, एयर लेने से एटमोसफियर, मतलब एयर से ही डायरेक्ट एटमोसफियर से ही एयर वो रिसीव करने के लिए बाहर आ जाते हैं। सच रूट्स फाउंड इन बनियन मेस एंड मैनग्रोव प्लांट्स एंड दिस आर कॉल्ड द एरियल रूट्स। एक हो गया ब्रांच से स्टेम से रूट निकलना, और ये हो गया दो टाइप का रूट्स हुआ, जैसे एक ब्रांच से निकलना रूट्स और ये रूट्स से रूट निकलना। कुछ रूट्स जो होता है जो मिट्टी के अंदर से बाहर आ जाते हैं, व्हाई फॉर टू गेट सम एक्स्ट्रा फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफियर। सच रूट्स फाउंड इन बनियन एंड मैनग्रोव प्लांट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। सो इस टाइप का रूट को क्या कहा जाता है, एरियल रूट्स। थ्री टाइप का एरियल रूट्स हुआ, पहला जो है बनियान ट्री पे जो ब्रांच से निकलता है, सेकंड टाइप मैच का, मैच प्लांट का जो कि स्टेम से निकलता है, एंड थर्ड टाइप हो गया मैनग्रोव का जो रूट से रूट निकलना। ओके, ऑल थ्री टाइप्स आर नॉन एज द एरियल रूट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर। देर आर टू टाइप ऑफ रूट्स, रूट दो टाइप के होते हैं, द फर्स्ट टाइप इज स्टेप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइबरस रूट, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट। द फर्स्ट टाइप इज एब्जर्शन एंड सेकेंड इज फिक्सेशन, ये दो होते हैं फंक्शन। उसके बाद और कुछ अदर फंक्शंस होते हैं स्पेशल फंक्शंस, जो स्टोरेज ऑफ फूड एंड ऑल्सो टू गिव सम एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द ब्रांचेस एंड देन सपोर्ट द रूट्स एंड एब्जॉर्बिंग एयर फ्रॉम द एटमोसफियर। एंड देन स्पेशल फंक्शन के हिसाब से दो टाइप का रूट, फूड स्टोरेज के लिए दैट इज नॉन एज एडेबल रूट, एंड सेकेंड टाइप इज एरियल रूट्स। ओके, ऑल दिस आर अबाउट दिस चैप्टर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसका, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे।